रीना रसोई में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में बनाने जा रहे हैं आप लोगों की फरमाइश पर गोभी, गाजर, शलजम और हरे मिर्ची का अचार। आइए चलिए चलते हैं रीना रसोई में। 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच हींग, 100 से 150 ग्राम सरसों का तेल, 15-20 लंबे आकार में कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच पिसा मिर्चा, 6 चम्मच सरसों के दाना, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसी खटाई, 2 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, गोभी, गाजर, शलजम। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खौलते पानी में बॉयल करा। बॉयल करते समय 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक डाला। जब बॉयल हो जाने पर 4 मिनट बाद इसको हमने चलनी में छान लिया जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। उसको हमने 3 से 4 घंटे पंखे में या धूप में सुखाया। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाने पर पहले हमने मेथी डाला, क्योंकि मेथी को भुनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसलिए हमने पहले मेथी को भून लिया। मेथी थोड़ी भुन जाने पर फिर हमने सौंफ डाला, सौंफ और जीरे को डाला। हमको ये मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। अब ये मसाला हमारा भुन कर तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं और इस मसाले को मिक्सी में पीस लेते हैं। भुना हुआ मसाला ठंडा हो जाने पर इसको हमने मिक्सी में डाला। इसी के साथ हमने सरसों भी डाली। इस मसाले को हमने थोड़ा दरदरा पीसा है। अब इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें तेल डालते हैं। तेल जब खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें धुआं निकलने लगेगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमारा तेल हल्का ठंडा हो गया है। इसको पूरा ठंडा नहीं करना है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। हल्दी, मिर्चा, और ये जो हींग, मसाले को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें पहले हरा मिर्चा डालते हैं। हरे मिर्चे को मसाले में अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम गाजर और गोभी डालते हैं। गोभी, शलजम, गाजर और हरी मिर्चे का अचार बनकर तैयार हो गया है। इसको ठंडा हो जाने पर एक शीशी में भर देंगे और 2 दिन तक इसको धूप में रखेंगे। इस अचार को आप तुरंत भी खा सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो
तो लाइक करना, कमेंट लिखना ना भूलें। अगली रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।